अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा अमल जो कि काम आएगा आपके रूठे प्यार को मनाने में। जी हाँ, ये भी मेरे पास कुछ दिनों पहले किसी साहब का फोन आया था, वो जानना चाह रहे थे कि ऐसा कौन सा अमल है जिसे करने से उनकी समस्या सॉल्व हो जाएगी, उनको उनकी इस परेशानी का हल मिल जाएगा, समस्या से निजात मिल जाएगी। तो मैंने उनको एक छोटा सा अमल बताया जो कि उनके एक बहुत ही ज्यादा काम आया, और इसीलिए आज मैं आपके सामने वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये कौन सा अमल है जिसे करने से आपकी भी जो परेशानी है उसका हल आप निकाल सकते हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, बेसिकली प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे जीवन में कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनके बारे में हमें खुद ही पता नहीं होता। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे किए हुए गलतियों की सजा हमें बहुत लंबे समय तक मिलती रहती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी, अगर आपकी कुछ परेशानियों की वजह से या आपकी कुछ गलती की वजह से आपका जो प्यार है वो आपसे दूर चला गया है, तो कैसे आप अपने प्यार को वापस अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। बेहद आसान अमल है, बहुत सारे लोगों ने जब इसका इस्तेमाल किया उसके बाद ही मैं आप लोगों के सामने इस अमल को आज बना रही हूँ। तो आपको करना क्या है कि आपको इस अमल की ज़कात अदा करनी है। ज़कात बहुत ही ज़्यादा मामूली सी है, मामूली सी ज़कात अदा करके आपका जो अमल है ये पूरी तरह से आपके लिए काम करेगा। आप अपने प्रेमी को या अपनी मोहब्बत को पाने में कामयाब रहेंगे। आपके जो जिंदगी है जिसमें आपकी मोहब्बत आपसे दूर चली गई है, तो उसे पास लाने का सबसे आसान अमल मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। इसको करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपको स्क्रीन पर जो लव्स दिखाई दे रहा है आपको उसे बोलना है, और उसके बाद आपके प्रेम, आपका जो प्यार है जिसे आप मोहब्बत करते हैं, उसके सामने जाकर उसकी आंखों में देखकर आपको ये कर देना है, आपको ये लव्स बोल देना है, और इस तरह से आपका अमल पूरा हो जाएगा, आपकी मोहब्बत आपकी जिंदगी में वापस आ जाएगी। ज़कात पहले आपको बता देती हूँ, ज़कात क्या है। सबसे पहले आप क्या करना होगा कि आपको 2.25 किलो मीट लेना होगा। जी हाँ, 2.25 किलो मीट लेकर उसके बाद आपको उसे ले जाकर कब्रिस्तान में फेंकना होगा। जी हाँ, जो भाई बहन हैं जो कि कब्रिस्तान में मांस नहीं फेंक सकते हैं, उनके लिए एक और तरीका है कि वो मीट को खरीदें और उसके बाद उसे ले जाकर आपको किसी गरीब को दान देना है, किसी गरीब को दे देना है। और इस तरह से करके आप देखेंगे, जैसे ही आपकी ज़कात पूरी होगी उसके बाद आपको स्क्रीन पर दिए गए इस लफ्ज को बोलना है और एक हाय निकालनी है अपने दिल से, अपने मन से उस हाय को निकालना है। आपकी जो भी आपकी आप चाहते हैं, आपकी मन्नत है वो पूरी होगी। आप इसके द्वारा अपने मोहब्बत को अपने जीवन में फिर से लाने में कामयाब हो जाएंगे। एक तरीका ये है कि आपने जब ज़कात पूरी कर ली उसके बाद आपको ये करना है, ये अमल अपनाना है। इस अमल का जो शब्द है, जो आपको लफ्ज दिखाई दे रहा होगा हमारी स्क्रीन पर, इस स्क्रीन को आप ध्यान से देखिए और इस लफ्ज को आपको अच्छे से अपने मोहब्बत की आंखों में आंखें डालकर उनके सामने आपको इस लफ्ज को बोल देना है। आप देखेंगे कि वो आपकी तरफ खींची चली आएंगी और आपकी मोहब्बत आपकी बाहों में होगी। ये कोई भी कर सकता है, ये इसे मेरे भाई लोग भी कर सकते हैं और बहनें भी कर सकती हैं, कोई भी जो भी इसे करना चाहे। अगर आप किसी व्यक्ति, आप अगर खुद भी पुरुष हैं और आप किसी और पुरुष पर यानी कि मेल पर इसे करना चाहते हैं, आजमाना चाहते हैं, तो आप इसे ज़रूर आजमाइए, ये ज़रूर असर करती है, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अमल है। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप उनसे आँखें नहीं मिला सकते, अगर आपकी मोहब्बत आपसे नहीं मिल रही है, आपसे बहुत ज़्यादा दूर है, तो आपको उनकी तस्वीर लेनी होगी और उसके बाद आप उसे कर सकते हैं। तस्वीर आप अपने फ़ोन में ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास असल का एक फ़ोटोग्राफ है उनका, अगर कागज़ पर प्रिंट आउट है तो वो भी आप ले सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो फोटोग्राफ होगा उसमें जो आंखें होंगी वो आपकी तरफ होनी चाहिए, यानी कि उनका जो चेहरा होगा वो आपकी तरफ हो, साथ ही साथ उनकी आंखें आपकी आंखों में देखने वाली होनी चाहिए। यानी कि जो फोटोग्राफ इस तरह से लिए जाते हैं जिसमें सामने वाला कैमरे में देख रहा होता है, वो फोटोग्राफ आपको लेनी है। इस अमल को करने के लिए आप इस तरह से इस अमल को कीजिए और बस आपको ज़कात पूरी करनी है और उसके बाद आपको ये अमल पूरा करना है, आपकी मोहब्बत आपकी बाहों में होगी। आप इसे ज़रूर करके देखिएगा। बहुत सारे मेरे भाई और मेरी बहनें हैं जिन्होंने इसे किया है और उनके जीवन में उनकी मोहब्बत वापस आ गई है।
तो आप भी इसे कर सकते हैं और इसका आपको इसका असर आपको आपकी समस्या का हल जरूर मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शब्बा खैर दोस्तों।